हेलो नमस्ते प्रणाम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन बहुत खास है। आप देखिए मैं पूरा सजी धजी हूँ और हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। बाहर एक्चुअली मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए और अभी शाम हो रहा है। सुबह ये व्लॉग मैं अभी शाम को शुरू कर रही हूँ और अभी हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। और आज का दिन क्यों है खास हमारे लिए, क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। ये देखो तो मुझे गिफ्ट में यही वाला ड्रेस मिला है और ये प्यारा सा फ्लावर है। तो मंदिर चलते हैं, मंदिर में पूजा कर लेंगे पहले हम लोग। तो ये मंदिर हम पहुंच गए हैं और ये मंदिर है माँ सर्वमंगला काली मंदिर है, जो 200 साल पुराना मंदिर है। और बंगाल में आपको ज़्यादातर जो मंदिर है वो बहुत पुराने पुराने मिलेंगे। हालांकि इसकी रंगाई पुताई हुई है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, मैप है, इस डिज़ाइन को देख के समझ में आया कि मंदिर कितना ज़्यादा पुराना है। और देखिए जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा पूजा हो चुका था, मेरी पूजा हो चुकी थी और फिर आरती चल रहा है, उसके बाद आरती हुई है। तो यहाँ पे मैं कुछ आरती के भी पिक्चर्स ले ली और माँ के दर्शन करके तो मन ही तृप्त हो गया। कहीं भी आप तीर्थस्थान जब जाते हैं तो मन ऐसे ही तृप्त हो जाता है, वहाँ भगवान आपके जो भी है ईश्वर उनको देख कर तो तृप्त हो ही जाता है मन। और यहाँ दूर में मेरे पति देव बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो मेरे पूजा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। और मैं इधर शूटिंग कर रही थी कुछ कुछ, भावना भी थोड़ा बहुत वहाँ खेल ली। हम शाम में मंदिर गए क्योंकि सुबह में तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी में सुबह मंदिर संभव ही नहीं है जाना, कहीं भी बाहर जाना संभव नहीं है। और ये मेरी बेबी का हाथ, थोड़ा सा जो हाथ में इसको चोट लगी थी तो वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं है। तो अभी इसने ये हैंड पाउच डाला हुआ है। और इस तरह से हमारी पूजा हो गई। पूजा होने के बाद हम बाहर आ गए और जैसे ही हम बाहर की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जो हैं उनकी रैली या जुलूस यात्रा जो कहते हैं वो निकली थी। और चूंकि आज इनका जन्मदिवस है तो सब बहुत धूमधाम से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो रास्ते में थोड़ी देर हम भी ठहर कर देखने लगे और जैसे ही यहाँ पर जुलूस ख़त्म हुआ हम निकले थे कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन हमें कहीं भी कोल्ड कॉफ़ी मिला नहीं और हमने यहाँ कभी कोल्ड कॉफ़ी ट्राई नहीं की है कि कहीं खाए या पिए ऐसा। तो फाइनली हम पहुँच गए डोमिनोज़ में और मेरी बेटी का डिमांड रहता है ज़्यादातर टाइम में कि उसे यही चाहिए, और उसे गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच पूछूँ तो मुझे भी पिज्ज़ा से कहीं ज़्यादा अच्छा गार्लिक ब्रेड लगता है। और ये एक नया शॉप खुला था डोमिनोज़ का, नया ब्रांच था, और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था यहाँ पर। और वैसे तो इन लोग इंग्रेडिएंट और सारा कुछ सेम ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे वो कहते हैं ना थोड़ा बहुत हाथ का फर्क भी हो जाता है बनाने वालों का भी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मैं यहाँ कुछ शूट्स करने लगी। तो आज का सेलिब्रेशन हो चुका है, छोटा मोटा सेलिब्रेशन हम लोग किए, मज़ा भी आया। और मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।